वेलकम टू ST24। स्वागत है आपका ST24 में। आज की इस वीडियो में हम मिशन चंद्रयान 2 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करते हुए देखते जाएं। और गाइस, अगर आपने अभी तक ST24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 15 जुलाई 2019, 18 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 22 जुलाई 2019 को फिर से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को कहां से प्रक्षेपित किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, अब्दुल कलाम द्वीप, नन ऑफ दिस, NOT। इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहां पर? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है? DRDO, ISRO, NASA, NOT, यानी कि नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ISRO। ISRO ने इसे लॉन्च किया है। ISRO की फुल फॉर्म क्या होती है? ISRO की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नासा है आपकी अमेरिकन एजेंसी, DRDO और ISRO है आपकी इंडियन एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV-C2, GSLV-M12, GSLV-Mark3, PSLV-C11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GSLV-Mark3। GSLV-Mark3 से लॉन्च किया गया है। और आपको ध्यान रखना कि चंद्रयान फर्स्ट जो था उसको लॉन्च किया गया था PSLV-C11 से। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको ध्यान रखना है कि GSLV-Mark3 को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से चंद्रयान 2 का हिस्सा है? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और ऑल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों ही चंद्रयान 2 के हिस्से हैं। ऑर्बिटर क्या है? चंद्रमा की कक्षा में 1 साल तक ये चक्कर लगाएगा। और लैंडर के अंदर रोवर को शिफ्ट किया गया है। जैसे ही लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उसके बाद रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा। इस प्रकार रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 डेज तक रहेगा और वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को एकत्रित करेगा और उनका रासायनिक विश्लेषण करके सारे डेटा को ऑर्बिटर के पास भेजेगा, जहां से ऑर्बिटर डेटा को इसरो के लिए भेजेगा। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? कलाम, विक्रम, प्रज्ञान, अटल। इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम। विक्रम है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम। आपको ध्यान रखना लैंडर का नाम है विक्रम, जिसको विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या है? मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो आपको ध्यान रखना है लैंडर का नाम है आपका विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 का रोवर चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? मध्य भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसका सही आंसर है दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर अपना चंद्रयान उतारने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ देश, यानी चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रसिया, अमेरिका और चाइना अपने चंद्रयान यहाँ पर उतार चुके हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत अपना रोवर उतारने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी प्रथम देश बन जाएगा। अभी तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसी ने भी अपना रोवर नहीं उतारा है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के लिए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऋतु करदिल, मुथैया मेहता, बोथ ए एंड बी, जयशंकर निशंक। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऋतु करदिल और मुथैया मेहता को डायरेक्टर बनाया गया है। ऋतु करदिल जो है वो है मिशन डायरेक्टर और मुथैया मेहता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 का कुल वजन कितना है? 3.8 टन। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 3877 किलोग्राम इसका कुल वजन है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना, जल की उपस्थिति का पता करना, चंद्रमा की ऊपरी सतह की जांच करना और ऑल, यानी कि सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के शिवन, मुथैया मेहता, सतीश रेड्डी, जयशंकर निशंक। इसका सही आंसर होगा के शिवन। के शिवन है अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब की गई थी?
इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008 में। सो गाइस थैंक यू। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।